ये क्या, ये यहाँ कैसे आ गया? रुक जाओ, तुम तो अंदर थे, भूत के जैसे यहाँ कैसे प्रकट हो गए? ए, चल हट, दिमाग की दही मत कर। नहीं हटूंगा, पहले मुझे सच बता। बत्ती जली, सटा सटाया और फटाफट चला गया। गया तो गया, जाते जाते आपके कान के नीचे बीन बजा के गया। कहीं ये डबल रोल वाला चक्कर तो नहीं है? अंकल जिंदा होते तो कब का कन्यादान कर देते। अरे वो नहीं तो क्या हुआ, तुम तो हो ना, उनकी जगह पर चंदा का कन्यादान तुम कर देना। अब ये क्या कह रही है आंटी? इन्होंने तो अपनी मन की बात कही है, जरूर तुमने ही इनके कान भरे होंगे। मैंने दूध की रखवाली एक बिल्ले से करवा दी, यही मेरी सबसे बड़ी गलती है, लेकिन अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई है। गुरुजी सुनिए, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए गुरुजी। आज के बाद हमारा रिश्ता खत्म, शिष्य और गुरु का रिश्ता खत्म। तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अरे पर गुरुजी, अबे ये दो है कि एक है, आदमी एक है पर रूप अनेक है। अरे गुरुजी, दादी का ठिकरा मुझ पर क्यों फोड़ रहे हैं? इस कहानी के असली सूत्रधार वही है। ए ऑटो वाले इधर आ, वो भाग रहा है, फॉलो मी। चलो, बालक ने मेरा तिरस्कार किया है, मेरा अपमान किया है, हमें इसका प्रतिशोध लेना पड़ेगा। ये कन्या तेरे प्रेम में पूरी तरह से बावली हो गई है चारी, विवाह ना किया तो डूब के मर जाएगी, समझाओ इसे माँ। अरे कर ले, कोने में पड़ी रहेगी। दादी ये कोई सामान है क्या जो गोदाम में बंद करके रख दूं? दादी ये चश्मे में बहुत भोली लगती है, लेकिन है चालाक लोमड़ी। तुम्हारे गुरुजी भी कुछ कम नहीं है बेटा, चार कदम आगे हैं। चलो, कहीं हमें धोने तो नहीं आ रहा। अब क्या बताऊं मैं, कहते हुए भी शर्म आती है। ये चंद्रकला है ना, मेरे गुरुजी इससे प्यार करते। अरे जी क्या बोला, क्या पकड़ा चारी? सही कह रहा हूँ, पप्पू ने ऐसे कहा। क्या लिखित में दे? मति भ्रष्ट हो गई है उसकी। अगर तेरा गुरु ना होता तो चप्पल से मारती उसे। उल्लू का पट्टा, गधे का बच्चा। आओ आओ पप्पू बेटा, हम तुम्हें याद कर रहे थे। सुन लिया मन की बात, सुन ली मैंने, जो कहा वो भी सुन लिया, जो नहीं कहा वो भी सुन लिया हमने। प्रेम करना अपराध है क्या? आयु मेरी इतनी नहीं है, पंडित हूँ, बैठ के कार्य करने पड़ते हैं, इसीलिए मेरी तोंद बाहर आ गई है। मुझसे छोटों का भी तोंद बाहर है, कल इसकी भी तोंद बाहर आ जाएगी, लिख के ले लो। यहाँ वार्तालाप खाने पीने का नहीं, विवाह का हो रहा है। तुम हृदय पे इतनी छुरिया मत चलाओ, दर्द हो रहा है। निर्लज्ज कहीं का, प्रौढ़ावस्था में विवाह करने चला। ये तो उत्तम विचार है, माँ बेटी के परिवार को संभाला, उनके सुख दुख में उनका साथ दिया। अगर एक विधवा के साथ इन्होंने विवाह करने का विचार किया, उसे अच्छा जीवन देना चाहा, तो उसमें बुरा क्या है? छी छी, बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम, आत्महत्या कर लूंगा। मतलब गुरुजी, चंदा और दादी दोनों से प्यार करेंगे? नहीं नहीं, मेरी इतनी क्षमता नहीं है, सिर्फ चंदा ही चाहिए। माताजी से विवाह नहीं करेंगे, बेटी से विवाह करेंगे। दुष्ट पापी कहीं का, ये बात समाज में फैली तो लोग थूकेंगे तुम पर। चलो यहाँ से। चलो भाई चलो। अब तू क्यों खड़ा है, जा यहाँ से। जाऊंगा जाऊंगा, पहले मेरे 4 लाख रुपए दो, फिर यहाँ से जाऊंगा मैं। 4 लाख? 1 लाख रुपए देना था ना। 1 लाख तो सिर्फ मूल है चारी, ब्याज मिला के कुल 4 लाख होते हैं, 4 लाख। अरे अरे रुको रुको, किस बात के 4 लाख? 4 साल से मेरा दामाद तुम्हारी सेवा कर रहा है, जरा बताओ तो मुझे, फूटी कौड़ी भी दी है तुमने, हिसाब बराबर, अब जाओ यहाँ से। दामाद, बहुत जल्दी संबंध बना लिया। नहीं गुरु, शांत रहो, तुमने आज गुरु शिष्य के रिश्ते का अपमान किया है, मन तो कर रहा है कि तुम्हें श्राप दे दूं, ये घाव अब नहीं भरेगा चारी। अरे पर गुरुजी, जा रहा हूँ। तो समधन जी, मुहूर्त निकालें क्या? किसका मुहूर्त, आपकी शादी का? कैसी अनर्गल बात कर रहा है समधन जी, चंदा आज से हमारी बहू, आप निश्चिंत रहिए। अरे देखा देखा, कितनी निर्लज है, आंख मार रही है मुझे। आंख मारना, इसका क्या तात्पर्य है? हाँ हाँ हाँ, भोली बन रही है। हा? गुरुजी को चाट लिया, मुझे सफा छट करेगी, पता नहीं गुरुजी पर क्या बीत रही होगी। गुरुजी, अरे क्या कर रहे हो भैया, हमको कहाँ ले जा रहे हो? अरे हम अपाहिज नहीं है, पैरों में दम है, स्वयं सीढ़ी चढ़ जाएंगे। देखो एक बात कह देते हैं, अगर हमारी धोती छुटी तो मैं। अरे ये क्या गुरुजी, ये लोग आपको भी ले आए? देखा सर इसका डबल रोल, देवता जैसे गुरु के साथ छल करके उसे छलनी कर दिया, खिलौना समझ के उसके साथ खिलवाड़ किया। ऐसे शिष्य को जीने का अधिकार नहीं, दंड दीजिए इसे। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? क्यों रे, तूने हमारे आदमियों की हत्या की। लो कर लो बाप, हम तो चीटी भी नहीं मारे। ये क्या गुरुजी, आप मेरे विरुद्ध आग में घी डाल रहे हैं? गब्बर भैया, आपकी माँ की कसम, किसी को नहीं मारा है, हमको जाने दीजिए। इस पे विश्वास मत कीजिए, ये बहुत ही चतुर है कांजी भाई, इसी ने आपके आदमियों को पब में मार गिराया था। मैंने? और पब में हमने सिर्फ 4 गालियाँ दी थी, उसे मारना थोड़ी ना कहते। अच्छा? कौन है रे? और जो मुझे धोया, भूल गए क्या? हम? यस कांजी भाई, पहले गेटअप चेंज करके मुझे कंफ्यूज किया, अब टॉपिक चेंज करके आपको कर रहा है। भाई मैं कंफर्म कह रहा हूँ, यही है, मार दो। मार दो। ये क्या कांजी भाई, एक निर्दोष को मारकर नरक में जाना चाहते हो? अरे मैं एक पंडित हूँ, ऐसा आरोप लगाओगे तो जीते जी मर जाऊंगा। समाज की रक्षा करने वाले ब्राह्मण को मारना महापाप है। रसूल, इसको देखकर लगता तो नहीं कि मर्डर इसने किए हैं? हमारे आदमियों को मारकर उनका क्रियाकर्म करने क्यों आएगा? इसे यहीं रखते हैं, यदि पता चला कि इसने झूठ कहा तो टपका देंगे। क्या बोलता है?
मेरा विश्वास कीजिए, हमने आपके आदमियों को नहीं मारा है। पूर्ण विश्वास है कि आप इसे उचित दंड देंगे, प्रस्थान करता हूँ। रुक जा, इसे भी अंदर बंद कर। हमने शांति मंत्र पढ़े हैं, भस्म करने वाले मंत्र नहीं, हमें दंड क्यों दे रहे हो? हाँ बोल सर, मेजर का बेटा मिल गया। क्या? यस सर। सर अगर हमने उसके बेटे का अपहरण कर लिया तो फिर आप मेजर को कठपुतली की तरह अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। तुमने ये खबर सुनाकर खुश कर दिया प्रभाकर, मैं अभी वहाँ पहुँच रहा हूँ। मेजर के बच्चे, देख तुझे कैसे नचाता हूँ। हमारे आदमियों को कोई बाहर का आदमी टपका रहा है। पहले रसूल के आदमियों को टपकाया, फिर हमारे आदमियों को। यदि हम आपस में लड़ते रहे तो वो एक एक करके हम सब लोगों को शिकार बना लेगा। हमें एक होकर उसका सामना करना पड़ेगा। मैंने इसीलिए सबको बुलाया। कोयते से काट दूंगा उसको। लेकिन वो हाथ में कैसे आएगा? शहर के बड़े बड़े उद्योगपतियों को हम अपना टारगेट बनाएंगे और उनसे हफ्ता मांगेंगे। उस हफ्ते को लेने के लिए वो आएगा और पकड़ा जाएगा। मीटिंग में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तुम ध्यान रखना। हेलो, उसकी गन से गोली क्यों नहीं निकली, यही सोच रहा है ना? उसे खाली गन देकर मैंने ही भेजा था, किंतु अगली बार ऐसा नहीं होगा। काजी भाई कितना चाहिए? 5 करोड़। और कोई होशियारी मत करना। ठीक है भाई, कहाँ लाना है? रत्नापुर के टिन फैक्ट्री के पास। हेलो नरसिंह, उसे फॉलो कर रहे हो ना? हाँ हाँ करता हूँ करता हूँ। चाहे कुछ हो, मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। बहुत बड़ी डील है ये, अगर हम कामयाब हुए तो माला माल। पैसा तो निकल। अब तक आया क्यों नहीं वो? ए देख जरा, पंडित वही है ना? जल्दी भागो चारी। भाई वो यहाँ नहीं है, भाग गया। अबे कैसे भाग गया वो? टेंशन लेना बंद करो, देखना वो यहीं आएगा। अब फंसा तू जाल में। अबे कभी पंडित बन के पूजा करता है, कभी छुपके मर्डर करता है। हम लोग को येड़ा समझ रखा है क्या? पूजा करता हूँ? लगता है चरस गांजा को ज्यादा ही पी रहा है। नशा मुक्ति केंद्र जा। अपुन के आदमियों के सामने अपुन को राग दे रहा है तो एकड़ी निकालूं क्या? तेरा बाप हूं मैं। सर क्या हुआ नरसिम्हा, फाइनली पकड़ा गया ना तू? सर शट अप, मेरी बेटी के पीछे पड़ा है ना तू? मैं सबका फोन टैप कर सकता हूँ, तो तेरा फोन टैप नहीं कर सकता क्या? तू मरेगा, तुम उससे बच नहीं पाएगा। Ha ha ha!
क्या हुआ? जो आदमी कुछ देर पहले तुम्हारे खून का प्यासा था, वो तुम्हें बचाने के लिए कैसे आ गया, यही सोच रहे हो ना? उसने ऐसा क्यों किया जानते हो? क्योंकि तुम्हारी मदद से ही हमारा सपना पूरा हो सकता है।